डेली HD न्यूज। सफाई कर्मियों की मेहनत की बदौलत पांचवी बार इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में नंबर वन आया है, किंतु उसके बाद भी सफाई कर्मियों का शोषण जारी है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को नगर निगम की जनसुनवाई में सामने आया है, जब यहां पर वार्ड क्रमांक 24 जोन क्रमांक 6 की कुछ महिला बेलदारों ने वार्ड के दरोगा पवन धावरी पर आरोप लगाते हुए नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर की। महिला बेलदारों ने दरोगा पवन घावरी को लेकर लिखित शिकायत करते हुए कहा कि वार्ड में 85 बेलदार हैं, जिसमें से नाम मात्र के बेलदार ही सफाई कार्य करते हैं, बाकी अन्य बेलदार सिर्फ हाजिरी भर चले जाते हैं। इन सभी का काम हम ईमानदारी से कार्य कर रहे बेलदारों को करना पड़ता है। हमसे सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करवाया जाता है, जबकि नियमानुसार 2 बजे छुट्टी हो जाना चाहिए, किंतु जो बेलदार वार्ड में सिर्फ हाजिरी भर आकर चले जाते हैं उनका भी काम हमसे करवाया जा रहा है। आयुक्त ने महिला बेलदारों से मामले को देखने की बात कही। इस मामले में इंदौर नगर अनुसूचित जाति एवं निगम कर्मचारी कामगार संघ के संयोजक महेश गोहर ने कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का शोषण बंद होना चाहिए और इस मामले में लिप्तता पाए जाने पर दरोगा तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। गोहर ने कहा कि वार्ड में तमाम दरोगा, सहायक दरोगा, CSI की नियुक्तियों के बाद भी NOC के माध्यम से काम करवाया जा रहा है, वह भी बंद होना चाहिए। साथ ही साथ वर्षों से काम कर रहे अस्थायी निगम कर्मियों को स्थायी किया जाना चाहिए। आज महिला सफाई कर्मियों के साथ आयुक्त के पास गए इंदौर नगर अनुसूचित जाति एवं निगम कर्मचारी कामगार संघ के संगठन मंत्री चौधरी अशोक कलोसिया ने भी उक्त मामले को लेकर आयुक्त से कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले बेलदारों का शोषण बंद होना चाहिए। महेश गौर जी, आज नगर निगम में जनसुनवाई चल रही है, इस दौरान एक मामला ये सामने आया कि वार्ड क्रमांक 24 के दरोगा को लेकर कुछ महिला बेलदारों ने शिकायत की है कि वो वहाँ पर 85 बेलदार है और 15-20 ही काम कर रहे हैं, बाकी काम नहीं करते हैं और उनका काम भी इन लोगों से लिया जाता है। क्या क्या कहना चाहेंगे? अब आप एक वार्ड की बात करते हो, मैं तो वार्ड का पूरे इंदौर के जो 19 जोन है और 85 वार्ड हैं, उन 85 वार्ड की ही बात करना चाहूँगा। पिछली बार भी हम लोग, हमारे सम्मानित वाल्मीकि संघ के अध्यक्ष हरीश नागर जी और हम लोग सब गए थे, एक बार मैडम से खुद बोल के आए थे कि मैडम बहुत घालम घाल चल रहा है, कर्मचारियों की इतनी हालत हो रही है कि प्रत्येक दरोगा और CSI बगैर लिए दिए कुछ काम नहीं हो रहा है। आज भी पूरे शहर की हालत है, जैसा कि आज आप हुआ है कि एक वार्ड में 85 बेलदार काम करते हैं है मार्कर, लेकिन वहाँ के 85 वार्डों में सिर्फ 15 बेलदार जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक एक बेलदार 4-4 जगह का काम करके और अपना हाजिर भर के घर सुबह 6 बजे का आता है और 4-4, 5-5 बजे वो घर पर जा रहा है। इस तरह कर्मचारियों का जो शोषण है वो ये निगम प्रशासन के माध्यम से हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक बेलदार के पीछे एक सहायक दरोगा, एक सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी, एक दरोगा, एक पदाधिकारी, स्वास्थ्य पदाधिकारी, उसके अलावा 6-6 लोग देखने के ऊपर भी उन्होंने NGO लगा रखा है। NGO का क्या काम है? एक लाखों करोड़ रुपए यहाँ नगर निगम बर्बाद कर रही। इस मामले में हमने अभी मुख्यमंत्री के नाम संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन भी दिया था 29 तारीख को, और उसके लिए फिर हम पुनः अभी एक और ज्ञापन आज उसका दे चुके हैं तारीख को। आज ही हमने एक पत्र दिया है और पत्र में हमने मतलब निगम प्रशासन और संभाग आयुक्त और सम्मानीय मंत्री से भी ये मांग करी है कि नगर निगम में जो अस्थायी रूप से काम करने वाले जो लोग हैं, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको स्थायी किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति उनको दी जाए। जो शहर के लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से काम करने आते हैं उनको नज़दीक के वार्डों में उनको काम करा जाए। साथ ही NGO को यहाँ से बर्खास्त करके और जो लोग हमारे जो शिक्षित पढ़े लिखे जो कर्मचारी हैं
और उनको ही दरोगा, उनको बाबू अधिकारी बनाया जाए। अभी ईमानदारी से जो महिला बेलदार और अन्य बेलदार काम कर रहे हैं, इनका जिस तरह से शोषण हो रहा है और दूसरे लोग जो है घर पे मस्ती मार रहे हैं, क्या इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनको लेकर ये कहना चाहूँगा कि निगम प्रशासन के यहाँ सारी दूर भ्रष्टाचार चल रहा है भैया, ऊपर से ले जाकर नीचे तक पूरे कुएं में भांग मिली है, कोई बोलने वाला नहीं है। हम विगत 15 साल से इस नगर निगम के काबिज संगठन के माध्यम से हम चिल्लाते हैं, पत्र देते हैं, पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इस तरह से मतलब ये हम आज देख रहे हैं और वो आने वाले समय में और बुरी हालत होने वाली है।